एक ओर सिनेमा घरों में गुड न्यूज फिल्म का जलवा चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 9 महीनों में हुए परफॉर्मेंस का रिजल्ट भी एकदम गुड न्यूज बनकर आया। नमस्कार, द इंडियनिस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं साहुल पांडे। विश्व गुरु, हमारे देश के बारे में अक्सर यह शब्द यूज किया जाता है। जब देखो तब यही सुनने को मिलता है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, लेकिन भैया 2020 में आपको यह नारा सुनने को नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि क्यों भैया, भारत तो अभी भी विश्व गुरु नहीं बना है, तो भला यह नारा क्यों नहीं सुनाई देगा? तो जवाब भी सुन लीजिए कि भारत तो विश्व गुरु है ही, और आज नहीं बहुत सालों से भारत विश्व गुरु है। और इस गुरु के ज्ञान का भंडार कुछ ऐसा है कि पूरी दुनिया भी हैरान है, और इतनी हैरान है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो इसकी कॉपी कैसे करे। भारत ने अपने इस गुरु ज्ञान से 2019 तो छोड़िए, 2020 के पहले ही दिन ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि बेचारे हमारे पड़ोसी चीन का भी मत्था घनचक्रा गया है कि इंडियंस ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम विश्व गुरु क्यों हैं? यूएन की रिपोर्ट यह बता रही है। आपने नए साल की पहली तारीख की खबरें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि इस दिन इंडिया के विश्व गुरु होने का प्रमाण मिल गया था। एक ओर सिनेमा घरों में गुड न्यूज फिल्म का जलवा चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 9 महीनों में हुए परफॉर्मेंस का रिजल्ट भी एकदम गुड न्यूज बनकर आया। एक तारीख को जब हम और आप एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे, तो यूएन ने भी दुनिया को हैप्पी न्यू ईयर का विश किया एक रिपोर्ट के साथ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नए साल की पहली तारीख को पूरी दुनिया में 3,86,000 नए बच्चे पैदा हुए। दुनिया के लिए आई इस एक गुड न्यूज में इंडिया और हम इंडियंस के लिए दो बड़ी गुड न्यूज है। पहला ये कि इन 3,86,000 में से 69,000 बच्चे हमारे अपने हैं, मतलब हमारे देश में पैदा हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह थी कि बच्चे पैदा करने के मामले में हम दुनिया में अव्वल रहे हैं, मतलब चीन तो भैया हमारे अगल बगल भी नहीं टिका हुआ है। चीन में 1 जनवरी को केवल 44,760 बच्चों का गुड न्यूज सामने आया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि चीन के बाद नाइजीरिया का नंबर है, फिर पाकिस्तान का नंबर है, इंडोनेशिया है, उसके बाद फिर अमेरिका है, फिर कांगो है, उसके बाद इथोपिया है, और लास्ट में बांग्लादेश का नंबर आता है। मतलब साफ है कि इंडिया के इस विद्या के सामने तो अमेरिका भी फेल है। रिपोर्ट बताता है कि भारत में हर दिन 69,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2 जनवरी तक हमारी पवित्र भारत भूमि पर कुल आबादी 1,37,32,70,210 हो गई है। वैसे यह गुड न्यूज यहीं तक नहीं है। यूएन का रिपोर्ट एक और बात कहता है कि इस साल के बीच में, मतलब 6 महीना बीतते ही, हमारा विश्व गुरु का जो परिवार है वो 1,38,04,085 का हो जाएगा, मतलब इसके आसपास का हो जाएगा। हमारी विश्व गुरु वाली विद्या कितनी प्रबल है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। 1955 में हम लोग केवल 40 करोड़ से थोड़ा आगे थे, और पिछले 5.5 दशकों में हम दुनिया की आबादी में 17.7% का हिस्सा बन गए हैं। इस विद्या में हमारा एक और जोड़ीदार है, अब वो भी हमसे पीछे होने वाला है। भारत में हर दिन आने वाले 69,000 गुड न्यूज से दुनिया भी परेशान है। उसकी परेशानी यह है कि ये लोग सारा रिसोर्स खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल बात तो यह है कि दुनिया के सारे देश हमसे जलते हैं, क्योंकि जो काम आप कर नहीं सकते उसका तो मजाक ही बना सकते हैं। वरना चीन को देखिए, इतने सालों से इस प्राचीन गुड़ विद्या में हमारा साझेदार रहा है। हमारा पड़ोसी हर साल हमसे कंपटीशन करता है कि आगे नहीं निकलने देंगे। यह कंपटीशन वाली भावना बनी रहनी चाहिए और शायद आगे भी रहेगी, लेकिन हमने इस कंपटीशन को बजाय कंपटीशन अपनी शान बना लिया है। क्या करें, हम भारतीय बहुत जज्बाती होते हैं ना। इतने जज्बाती हैं कि चीन को इस मामले में चेता चुके हैं कि बस 5 साल और हम गुड न्यूज के मामले में तुमसे भी आगे हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत इस साल की पहली तारीख को ही हमने कर दी है। जनसंख्या नियंत्रण बेकार का फंडा है। एक और देश में रोज इतनी सारी अच्छी खबरें आ रही हैं, लोगों की लाइफ अच्छे से कट रही है,
एक पति पत्नी अपने 4-5 सपूतों को बिना दूध बेहतर खाने के पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। वहीं हमारे देश में कुछ इन गुड न्यूज का ग्रहण लगाने पर लगे हुए हैं। हाल ही में एक कुंवारे बाबा ने लोगों के बच्चे पैदा करने की आजादी को लेकर सरकार से गुहार लगा दी कि इसे छीन लेना चाहिए। मतलब ये कोई बात हुई क्या? हम रहते भारत में हैं, जो एक डेमोक्रेटिक देश है, हर किसी को अपने हिसाब से जीने की आजादी है और राइट टू लीव और लाइफ में आम आदमी का अधिकार है कि वो बच्चा पैदा कर सके, उसके राइट टू फ्रीडम है। ऐसे में इसे छीनना क्या सही बात है? उन बाबा को यह पता नहीं है कि इन गुड न्यूज के लिए इन परिवारों को कितना बैड न्यूज सुनना पड़ता है। कभी बच्चा पैदे होते ही मर जाता है, कभी एक सप्ताह में, और अगर जी भी गया तो भूख की मार उसे मार ही देती है, या फिर पापी पेट के लिए वो किसी को मार देता है। असल में उन बाबा को चाहिए कि वो सरकार पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करें और उससे कहें कि व्यवस्था दुरुस्त करो। आम आदमी के अधिकारों को छीनने की साजिश उन बाबा को नहीं करनी चाहिए। मतलब एक तो आम लोग गरीब, ऊपर से वो इतना पैसा खर्चा कर अपनी महिलाओं की जान जोखिम में डालकर परिवार की बढ़ोतरी के लिए गुड पे गुड न्यूज देने में लगे हैं, ताकि परिवार की जो माली हालत है वो भविष्य में सही हो सके। वहीं ये कुछ चंद लोग हैं जो इनके फ्यूचर प्लानिंग को खत्म करना चाहते हैं। अब चलते चलते आपको एक चेतावनी दे देते हैं, ये गुड न्यूज बैड भी हो सकता है। ऊपर की जितनी बातें थी उससे हम सहमत नहीं है, यह एक व्यंग था। गुड न्यूज का आना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गुड न्यूज की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उससे तो यही लगता है कि यह गुड न्यूज बड़े स्तर पर बैड न्यूज हो सकता है। हम इस मामले में चीन को भी पिछवाने वाले हैं, लेकिन हमारे देश की बढ़ती आबादी भी हमारे लिए कई दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। इसे कंट्रोल तो करना ही होगा, क्योंकि ज्यादा गुड न्यूज देश के लिए बदहजमी का कारण बन सकता है, और इस बदहजमी के नमूने हम पिछले कुछ सालों में बहुत बार देख चुके हैं। वैसे बढ़ती आबादी के आगे तो सरकार भी हार मान गई है, वरना हम दो हमारे दो वाले जो टैगलाइन चला करते थे घरों की दीवार पर लिखे हुए, वो गायब नहीं होते। ये टैगलाइन कुछ ऐसे गायब हुए जैसे गधों के सिर से सिंग गायब हो जाती है। तो सचेत रहिए, सावधान रहिए। आजादी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपकी आजादी दूसरों की आजादी छीनने लगे तो उस पर तो लगाम कसनी ही होगी, और बढ़ती जनसंख्या कुछ ऐसा ही कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के और सारे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।